हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। वीवर, हमारे चैनल पर चल रहा है सिलसिला बॉलीवुड इंडस्ट्री की जोड़ी का। तो आज की जिस जोड़ी को हमने सेलेक्ट किया है वो है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और बॉलीवुड के तूफानी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्टार की एक साथ रिलीज होने वाली 6 मूवीज़ की तमाम डिटेल और उन मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट क्या था, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है हमारी आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। 1984 में रिलीज होने वाली मूवी शरारा में पहली दफ़ा शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ काम करने का मौका मिला था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजेंद्र सिंह बाबू ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर, रंजीत और कादिर खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से शरारा एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी। मार्च 1985 को रिलीज़ होने वाली मूवी आंधी तूफान, फिल्म को डायरेक्ट किया था बाबर सुभाष ने और फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी, डेनी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से आंधी तूफान एक हिट फिल्म करार दी गई थी। जून 1987 को रिलीज़ होने वाली मूवी हवालात, फिल्म को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन ने और ये तीसरी फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा को एक साथ काम करने का मौका मिला था और इनका साथ दिया था ऋषि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी, अनीता राज, मंदाकिनी, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर ने और कलेक्शन के हिसाब से हवालात एक हिट फिल्म करार दी गई थी। 1987 में रिलीज होने वाली मूवी हिरासत, इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन ने और इस फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अनीता राज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से हिरासत एक हिट फिल्म करार दी गई थी। फरवरी 1988 को रिलीज़ होने वाली मूवी सागर संगम, ये पांचवी फिल्म थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गोहा ने और फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, राखी, पद्मनी कोल्हापुरी, अनीता राज, आशा पारेख शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से सागर संगम एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी। जून 1990 को रिलीज़ होने वाली मूवी हमसे ना टकराना, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दीपक बेहरे ने और ये मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा की छठी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक साथ काम किया था और यही अब तक की इनकी आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। फिल्म के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, किमी गाडकर, अनीता राज शामिल थी और कलेक्शन के हिसाब से हमसे ना टकराना एक हिट फिल्म करार दी गई थी। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज के वीडियो और आज की इस वीडियो में हमारी जोड़ी थी मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा सर की। मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा की रिलीज होने वाली इन 6 मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ है कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखना ना भूलिएगा और आने वाली वीडियोज़ में आप किन किन सुपरहिट जोड़ीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखें, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूँ कि अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।